बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज साथियों हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। ये पुस्तक नहीं बल्कि टॉपर्स नोट्स है, जो कि साथियों अगर आप IAS फर्स्ट ग्रेड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतिहास से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। अब साथियों इन नोट्स के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, ये आज हम आपको इस नोट्स या पुस्तक रिव्यू के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले साथियों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले साथियों आपको हमारे चैनल पर ये जो पुस्तक है सामान्य ज्ञान विवाह, इसका भी रिव्यू मिल जाएगा, वो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ना चाहते हो तो इसका भी रिव्यू किया गया है। अगर आपके पास में इनमें से किसी भी प्रकार की पुस्तक है तो ज़रूर बताइएगा साथियों। ये IAS टॉपर्स नोट्स है, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आप वहां से कवर कर सकते हो। भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दृष्टि IAS की, जिसके अंदर कला और संस्कृति से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी गई है। कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो जानकारी चाहिए तो आप वीडियो इस पुस्तक के रिव्यू का देख सकते हो प्ले लिस्ट के माध्यम से। यहाँ पर साथियों भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित MCQ दृष्टि IAS की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन भारतीय इतिहास इस पुस्तक के बारे में, और उसके बाद है साथियों विश्व का इतिहास महेश कुमार वर्णवाल, सभी विद्यार्थियों के दिलों पर राज करने वाला महेश कुमार वर्णवाल, NCERT सार इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। साथियों आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विपिन चंद्रा के, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है, उसको देख सकते हो। स्पेक्ट्रम, जो कि साथियों यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे संबंधित भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है साथियों। और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा और विरासत साथियों, ये डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। और एक है साथियों यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड। इतनी सारी गाइड का रिव्यू अब तक भारतीय इतिहास की पुस्तक का किया जा चुका है इस चैनल पर। और उसके बाद साथियों आपके लिए स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। इसको पढ़ने के बाद साथियों आप कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए, तब जाकर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। अब साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, इसका रिव्यू कर लेते हैं। और वीडियो के एंड में दो ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपके लिए रामबाण साबित होगी किसी भी एग्जाम में, तो वो भी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो के एंड में। अब साथियों ये जो टॉपर्स नोट्स है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ने के लिए इतिहास के लिए क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले साथियों विश्व का जो इतिहास है इसके बारे में जानकारी आपको एक परिचय दिया गया है इस पुस्तक के अंदर। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति, अमेरिका की जो प्रमुख क्रांति है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देख सकते हो अमेरिका की क्रांति के बाद में फ्रांस की क्रांति, 1815 के पश्चात तो यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई है। 1815 के पश्चात तो यूरोप और औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहां पर विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। साथियों रूस की क्रांति के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों विश्व की आर्थिक जो विकास है, आर्थिक मंदी है, अर्थव्यवस्था जो सुस्त हो गई थी एक समय में, उस आर्थिक मंदी के बारे में भी विस्तार के साथ इसमें दिया गया है। फांसीवाद के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का विश्व है उसके बारे में जानकारी दी गई है। शीत युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। और विश्व तथा भारत के भूगोल के अंतर्गत साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें विश्व का भूगोल और जितने भी महाद्वीप है, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो या फिर यूरोप हो, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जिसमें दक्षिणी अमेरिका है और ये दक्षिणी अफ्रीका वगैरह के बारे में पूरी जानकारी दी गई, ऑस्ट्रेलिया है, उन सब के बारे में इसमें आपको जानकारी दी गई है। अब साथियों इस टॉपर्स नोट्स को पढ़ने के लिए आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए और या फिर इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। और इसके
अंदर किस प्रकार की भाषा शैली है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित हो सकते हैं ये दिशा पब्लिकेशन के 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, जिसके अंदर साथियों आपको ये लेटेस्ट वर्जन जो 2021 का है ये दिया गया है, जिसमें साथियों 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रत्येक सब्जेक्ट के विस्तार के साथ समझाए गए हैं। इसमें अगर एक बार इन एमसीक्यूज का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो साथियों आपका एग्ज़ाम जिसमें आप शामिल होने वाले हो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और महत्वपूर्ण गाइड जो कि है साथियों सामान्य दिन 2021, ये है साथियों मनोहर पांडे की अरियंत पब्लिकेशन की। इस पुस्तक का रिव्यू भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हो कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। आशा करता हूं साथियों ये छोटी सी जानकारी पुस्तक रिव्यू के संबंध में थी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, हमारी ये जो छोटी सी मेहनत हम जो कर रहे हैं आपको लगा कि ये मेहनत अच्छी है, ये पुस्तक अच्छी है, ये जानकारी अच्छी है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे जितने भी भाई बहन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप उनके लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं तो साथियों उस वीडियो को जिसको भी आप देख रहे हो पुस्तक रिव्यू का वो आप ज़रूर उन तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नई उम्मीद नए जोश के साथ, तब तक साथियों आप लगे रहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।